सरकार क्या करती है। प्रधान आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई झूठबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए? तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। मुझे थोड़े से अलग मुद्दे पर आते हैं। कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहाँ पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहाँ फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़े संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है, जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सर, ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी, ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है
कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर, वेल्थ क्रिएटर्स को लेके भी बातचीत एक नैरेटिव आता है कि कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आप कुछ परिवार को आप बढ़ा रहे हैं, अभी आपने हाल में उनको बोला, तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको ही उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूँ, जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहाँ से लाए हो, उनसे बात करो भाई, आप उनसे तो कुछ पूछते नहीं हो। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चर्चाएं उनके साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, उड़ीसा में अभी चुनाव होने हैं, अभी हाल में उधर आपकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया, अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं, तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य कर के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं, और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है, ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है, इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है, हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है, मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को BJP का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। मोदी जी, बंगाल में भी ताबड़तोड़ एक टक्कर की लड़ाई चल रही है, आपके भी बहुत कैंपेनिंग वहाँ पे आपने की है और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे बंगाल में? एक तो मुझे लगता है कि NI के जो फुट सोल्जर्स हैं एक बार उनको वेरीफाई करना दे तो कर देना चाहिए कि वो कहाँ से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं। बंगाल के चुनाव में TMC पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया, हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग TMC के लोग बौखलाए हुए हैं, लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है, ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। मोदी जी, आपके हिसाब से तो लगभग अब आपका तय है आना, और सबको लगता है ऐसा, ज़्यादातर लोग आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं, तो Modi 3.0 में ये देश क्या उम्मीदें रखे आपसे, क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी? विकसित भारत, 1 पॉइंट एजेंडा, विकसित भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार।